बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान है और रहीम है। मन आमिला सालिहन मिन दकरियों व उनसा, जो कोई मर्द या औरत अमले सौले बजा लाया, वहुआ मुमिन और वो मोमिन भी है, फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम बिल जरूर उसे एक नई पाकीजा यानी हयात तय्यबा पाकीजा जिंदगी अता करेंगे, वला नज़ियन्नहुम अजरहुम भी अहसनी मा कानू यामलून, और हम बिल जरूर उन्हें उस अमल के सिले में जो वो बजा लाए बेहतरीन अजर अता फरमाएंगे। सदकल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं नजम शराज और सलवा नजम एक और सहर में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह ने हमें एक और मौका दे दिया है आज अपने ईमानों को सेलिब्रेट करने का, ईमानों को जगाने का, अल्लाह का जिक्र करने का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और उनकी ज़िंदगी से सीखने का, और रमज़ान में अपना एहतसाब करने का। और ये हदीस मैं बार 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 सुनाता रहूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान में अपना एहतसाब नहीं किया तो उसके भूखे और प्यासे रहने की अल्लाह को कोई परवाह नहीं। सो मेरी ये दुआ है कि हम सब, ख़ास तौर पर वो लोग जो अलिफ टीवी के साथ जुड़े हुए हैं और पूरा रमज़ान हमारे साथ अपना एहतसाब कर रहे हैं, क्योंकि एहतसाब करने के लिए अल्लाह का आईना सामने होना बहुत ज़रूरी है। अपने आईने में तो हर कोई जो है वो खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन अल्लाह के आईने में यानी उसकी किताब, उसके कलाम के आईने में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आईने में अपनी तस्वीर देखने से ही अपनी करेक्शन बेहतर हो सकती है। सलवा, आज जो आयत तिलावत की है मैंने कि अल्लाह ताला का वादा है कि अगर तुम करेक्शन करोगे अपनी, अगर तुम अपने एक्शंस को करेक्ट करोगे और तुम मोमिन भी हो यानी अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ईमान के साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओबीडियंस के साथ करेक्शन करोगे तो अल्लाह का वादा है कि वो एक नई ज़िंदगी दे देंगे, एक पाक ज़िंदगी दे देंगे। हाउ डू यू सी दिस? I see myself in this ayah. MashaAllah. Because if I'm a practical believer is somebody who is here to do a job and we're following the instructions of Allah which are in the ayats of Quran. So if I'm doing the job is I'm here to do good deeds. So if I do good deeds and I'm practical with the message, like I implement what I understand in my life, then Allah is so kind that he's rewarding the best of your actions. Your past slate is just wiped clean. Clean slate, whatever you've done in the past, clean slate. And you're doing your best for self-correction, which is the job of a mu'min, actually. You're going to be rewarded for the best of your actions. That's wow. Super, super kind. And this is in every time, because this is the Quran's ayat. और कुरान की आयत जो है फॉर ऑल टाइम्स होती है, हमेशा के लिए होती है। 1400 साल पहले देखते हैं तो हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब के लिए ये आयत वैलिड है कि अल्लाह ने उनको एक हयात तैयबा दे दी। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ने उनको हयात तैयबा दे दी, और तमाम असहाबा किराम जो चाहे कितनी ही दूर थे या अपोजिशन में थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी करेक्शन की और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की तो अल्लाह ने उनको हयात तैयबा ऐसी दी कि क़यामत तक उनका तज़किरा होता रहेगा। और अगर ये आयत आज भी पढ़ी जा रही है, आज भी तिलावत हो रही है, तो आज भी तो ऐसे रोल मॉडल्स नज़र आने चाहिए कि जिनकी ज़िंदगियाँ क्लीन हो रही हैं, जिनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आ रही है, जिनकी ज़िंदगियों में पाकीज़गी आ रही है, जिनकी ज़िंदगियों में मकसद आ रहा है, जिनकी ज़िंदगियाँ बदल रही हैं और वो दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हैं। आज ऐसी ही एक रोल मॉडल को हमने अपनी ज़िंदगी में और अपने इस अलिफ टीवी की ट्रांसमिशन में दावत दी है कि वो हमारा साथ दें और हमें भी बताएं और हमारी तमाम जो फैमिली है अलिफ टीवी की उसको बताएं कि उनकी ज़िंदगी में ये तब्दीली कैसे शुरू हुई, पहले क्या था, अब वो कैसा महसूस करती हैं। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, आपने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी दुनिया में हैं इनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया, इनकी नेचुरल जो था एक इनका स्टाइल उसको पसंद किया, फिल्म भी की तो कामयाब हुई, ड्रामा किया तो कामयाब हुआ। आइए आपको मिलवाते हैं सनम चौधरी साहिबा से। सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम नजम भाई एंड सलवा, इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन आपने आयत से जोड़ दिया। आई थिंक मैं तो बहुत इमोशनल हो रही हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु वो अकबर। इसलिए कि ये हयाते तैयबा मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तमाम बुराइयाँ जो मेरे अंदर थी, जो मैंने, जो मुझे नहीं लग, बड़ी नॉर्मल लगती थी मुझे माशरे के हिसाब से, अपनी जिंदगी में थी, अब उनसे छुटकारा मिला है। क्योंकि अपना आईना, जैसे आपने बोला, मैंने कुरान में देखा, और जैसे जो जो नजर आया गलत मैंने उसको करेक्ट किया। तो ये आयत 16 की 97 जो अभी आपने कोट की है, विच इज हयात तैयबा, मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस कर। अल्लाहु अकबर। मुझे और हम सबको बड़ा फ़ख्र है कि आपने इतना बड़ा ये स्टैंड लिया, और बड़े ऐसे टाइम पे जब आप के पास प्लेट के अंदर ऑफ़र्स पड़ी हुई थी, शादी के बाद कम बैक की ऑफ़र्स पड़ी हुई थी, और राइट उन ऑफ़र्स को छोड़कर आपने जो चीज़ जो पर्दा हट गया था, आपने उस पर्दे को, पर्दे से मुंह नहीं मोड़ा। तो थोड़ा बताएंगी आप हमारी तमाम अलिफ टीवी की ऑडियंस को कि थोड़ा सा पहले से बताएं कि जब एवरीथिंग वाज यू नो आप अप एंड कमिंग थी, फिर आप स्टैब्लिश हुई और आपका एक नाम बन गया और एक ब्रांड बन गया, और फिर ये कैसे महसूस हुआ कि नहीं मुझे कुछ और चाहिए? अच्छा नजम भाई, इसमें ऐसे कि जिंदगी में जो देखा था और जो मिलता रहा, कभी वो पूरा ही नहीं लगा। छोटे होते सोचा था, क्योंकि अच्छे लगते थे एक्टर्स वगैरह, घर से भी थे, तो मुझे बड़ा दिल करता था कि मैं भी एक्टर बन जाऊं, तो एक्टर बन गई। अच्छा, और उसमें इतना कंपटीशन था, इतना कंपटीशन था, ऐसे सवार थी मेरे सर पे तलवार के बस बेहतर से बेहतर एक्टर बनना है। और उसके लिए मेहनत भी उतनी थी, इतनी ज्यादा मेहनत करती थी मैं, स्क्रिप्ट्स याद, मेकअप्स, फैशन, ये वो के हर दौर के हिसाब से, क्योंकि मैंने 10 साल से ज्यादा काम किया है, तो मैं उसमें तो बेस्ट से बेस्ट बनती जा रही थी। दुनिया की रेस में हर कुछ मिल गया, पैसे मिल गए, शोहरत, पावर एक आ गई मेरे पास, और लेकिन जो कमी थी वो सुकून की थी। जितना ज्यादा सब मिलता जाता था उतना ही कम लगता था। जिस पोजीशन पे जाती थी, एक्टर की स्टेजेस भी होती हैं, जितना उसमें निखरते थे उतना ही सब कम लगने लगता था। तो उसमें ये समझ आई कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। वो शायद मुझे, मैं एक्चुअली आई थी शौक पूरा करने, शौक भी पूरा हो गया हुआ जी था, पैसे भी थे, बस फिर एक शौक था मेरा कि मैं शादी करना चाहती थी, अपनी फैमिली बनाना चाहती थी। फिर अल्लाह ताला ने वो भी दे दी, बच्चे भी हो गए, लेकिन फिर भी क्योंकि इखलाक व किरदार की कमी थी, क्योंकि बेस्ट एक्टर जरूर बनी थी लेकिन मैं बेस्ट वाइफ नहीं बन, और फिर वैसी रहती मैं बेस्ट मामा भी नहीं बन पाती। तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, कि अगर तुम बेहतरीन इंसान बनना चाहते हो, तो जो बेहतरीन इंसान बनना चाहता है, उसे चाहिए कि वो कुरान सीखे और सिखाए। तो बस बेहतरीन इंसान नहीं थी मैं, बाकी सब कुछ चल रहा था जिंदगी में। तो जब से मैं कुरान की तरफ आई, आई सॉ माई सेल्फ, और जो सबसे ज्यादा कमी थी ना, जो सुकून मैं कह रही हूँ, वो अल्लाह का साथ था। क्योंकि मैं अपनी हाथों की कमाई की वजह से हर जगह फंस जाती थी, और जैसा आजकल मैं माशरे में भी देख रही हूँ, डिवोर्सेज रेट वगैरह सब हाई है, तो कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को उधर देखती। तो ये अल्लाह ताला है जिन्होंने मुझे बचा लिया, मेरा घर बचाया है, और क्योंकि मैंने अपना अपनी बुराइयां देखी वो सारी निकली, तो मेरी जिंदगी में सुकून आना शुरू हो गया, और उस माशा अल्लाह, सुकून से मेरे घर वाले भी इंजॉय कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा खुशी ये होती है कि एक इंसान के समझने से आगे की नस्लें चेंज उफ, हो सकती हैं। तो दिमाग खाली दुनिया तक था कि दुनिया में सब मिल जाए, तो अगर मिल भी गया था, जब अल्लाह का साथ नहीं था, तो मेरे तो बच्चे भी ऐसे और फिर उनके बच्चे भी वैसे। तो ये बड़ी आगे तक की बात है, और एक इसका इंसान। इसका मैं गवाह हूँ कि आप के इस तरफ आने से जो इम्पैक्ट हुआ है वर्ल्ड वाइड,
सिर्फ पाकिस्तानियों में नहीं बल्कि इंडियंस के यहाँ भी जिस जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ इंडियन इंडिया से जो बच्चियाँ उनका जो एक ऑन स्लॉट आ रहा है गाइडेंस की तरफ, अर्रहमान रहीम की तरफ, और सनम आपके इस तरफ आने से वाकई बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हुआ है। सनम के मेरा ख्याल है कोई 25 लाख फॉलोअर्स तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही हैं, राइट सनम? जी नजम भाई, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा ऑर्बिट दिया और उसको यूज करना आया। जब मैं इस तरफ आई ना तो मुझे लगा कि मुझे सब कुछ बंद कर देना चाहिए, मैं समझती थी मैं अब केज, लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ा मैंने तो सूरह असर की अपने अंदर देखा, उसमें भी आया ना कि मेरा तो अब काम है, जिसको जितना ऑर्बिट मिल रहा है मेरे ख्याल से उसने तबलीग भी करनी है, पहले खुद अमल कर, बिल्कुल सही, अल्लाह को एक्सप्लेन है और फिर आगे भी मैसेज पहुंचाना है रसालत में, जो हमारे नबी ने भी किया। अल्लाह ताला की आयात जो कुरान मजीद में है उनसे लोगों को वार्न भी करने और गुड न्यूज भी देनी है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने प्लेटफॉर्म को का सही इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि पहले मुसलमान होते हुए उसका बड़ा गलत इस्तेमाल भी रहा है, हर उल्टी चीज हमने लगाई जो माशरे में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें बड़ा नॉर्मल लगता था और अब समझ में आती है कि गलत थी, अपनी गलती मानी और तौबा की और उसके बाद इस्लाम। मुझे तो मुझे याद है जब मुझे याद है जब आपका कॉल आया, मैं उस वक्त इंग्लैंड में था, आई थिंक अनम मलिक जो खुद माशाल्लाह बड़ी शी वाज अ टॉप सुपर मॉडल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने उन्होंने आपका तस्करा किया था, तो जी नजम भाई, तो मैंने फिर थोड़ा लुकअप किया, मैंने कहा मैं जरा चेक करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों से वहाँ इंग्लैंड में था तो इतना ज़्यादा मैं इन टच नहीं था पाकिस्तानी इंडस्ट्री के साथ, तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा कि भाई इसकी इतनी फॉलोइंग है और सारा कुछ है, बड़ा मुश्किल होगा इसके लिए। एक अंदर ख्याल आया कि लेट्स सी, कि देखते हैं ये सारा कुछ, एक जैसे कहते हैं ना वो चलती हुई और भरी दुकान, वो छोड़ के तो मैंने कहा लेट्स सी। लेकिन जब आपका कॉल आया और आपने कहा कि मैं जो है, मुझे आज भी आपके वर्ड्स याद हैं, आपने कहा कि मैं एक कंफ्यूज्ड मुस्लिम हूँ, yes. तो उससे मुझे कुछ उससे एहसास हुआ कि शी इज लुकिंग इनटू हरसेल्फ एंड शी इज रेडी टू टर्न द कैमरा टुवर्ड हरसेल्फ, और ये उससे मुझे लगा कि ओके ये जो है वो आउट ऑफ फैशन या आउट ऑफ यू नो एक वो होता है ना फेज आता है इंसान पे। और अच्छा आप समझ गए मतलब उससे पहले भी बहुत सारे लोग आए, उन्होंने रابطہ किया, बात की, लेकिन कोई भी कंसिस्टेंसी के साथ इसलिए नहीं चल सका कि उनके करियर्स, उनका जो सारा जो एक चलती हुई दुकान है वो रास्ते में आ जाती है। सो हालांकि प्यारी बात की जो आपने कंसिस्टेंसी बोली है ना, इसमें बड़ा फोकस करना चाहिए। अभी मैं अपनी काफी सहेलियों को देखती हूँ जो शोबिस से आना चाहती हैं अल्लाह की तरफ, मतलब वो अपनी जिंदगियों में सुकून चाहती हैं, अल्लाह का साथ चाहती हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोग ना कुरान से दूर हैं और एक ख्याली अल्लाह ताला के साथ चलते हैं, तो मेरे ख्याल से जो कंसिस्टेंट हो जाएगा ना उसके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ये मैंने भी देखा, अगर एक मैं कंसिस्टेंट नहीं होती तो शायद इधर उधर निकल जाती या फिर से दुनियावी लाइफ में चली जाती, खाली दुनिया। सनम हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाने वाले हैं, लेकिन जी इस कंसिस्टेंसी पे हम जरा डिटेल से आप की बात सुनना चाहेंगे, क्योंकि यूथ जो है, जो हमारी अलिफ टीवी है ही यूथ का चैनल, उनको कंसिस्टेंसी का बड़ा इशू होता है। yes. ऐसा नहीं कि बात समझ में नहीं आती, इंस्पायर नहीं होते, सारा कुछ होता है। एक तो इस एस्पेक्ट पे बात करेंगे और दूसरे इस एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि करियर जो है वो आपको किसी ने फोर्स किया था कि आप छोड़ें या आपकी अपनी विश एंड विल थी, क्योंकि ना मुझे कभी मेरे उस्ताद ने कहा था कि तुम ये छोड़ दो, ये बुरा काम है, गलत काम है, और ना ही आपको ऐसा कहा गया, क्योंकि ये एक पर्सनल डिसीजन होता है। और इस फील्ड में यानी अल्लाह की तरफ आकर भी आप लोगों की नज़रों में या शो बिज़नेस के अंदर आप बहुत सारे डिफरेंट काम कर सकते हैं, जैसे अर्तुरुल ड्रामा बना है, इस तरह बड़े बड़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल्म बनी है, मैसेज फिल्म बनी, आजकल
सीरीज आफ्टर सीरीज उत्मान चल रहा है, इस तरह के बहुत सारी एवेन्यूज हैं जिसपे मर्द औरतें जो भी अल्लाह की तरफ आती हैं उनके लिए एवेन्यूज कभी भी बंद नहीं होते। सो ये सोचना कि शायद मेरी दुकान जो है वो बंद हो जाएगी, मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, मैं अपना भी आपको गाहे बगाहे बताता रहता हूँ कि मुझे भी ये मिसकंसेप्शंस लोगों ने कही थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो हम एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मैं इन दोनों एस्पेक्ट्स पे सनम से बात करूँगा, एक तो ये कि कंसिस्टेंसी कैसे होगी और दूसरा ये कि करियर को छोड़ना और अब आगे ज़िंदगी में क्या कैसे देखा, क्या अल्लाह के ऊपर छोड़ा है कि अल्लाह जैसे आपकी लाइफ को वो करेंगे या खुद कुछ प्लान किया है, इन दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, दिस इज़ गोइंग टू बी अ मेमोरेबल एपिसोड फॉर ऑल ऑफ यू माय डियर यंगस्टर्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सलवा जी, सनम से बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है और अभी होने जा रही है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, समझ में आ रही है जी। ओके, सो व्हाट्स योर टेक सो फार? You know what you were just saying, it is direction. It's not that, as Sister Sanam was saying, it's not that everything has to just stop. For example, she has so many people on her social media, right? But it's how you use it, and it's the direction in which you take it. Wow. Salwa, whenever you speak beautifully and very wisely. Alhamdulillah. Zindagi rokne ko Allah nahi keh rahe hain, balki सिर्फ डायरेक्शन। हमारे उस्ताद हमेशा एक मिसाल देते हैं कि मिसाइल तो तुम पहले भी थे, सो अब जो है वो तुम डिफेंस के लिए यूज़ कर रहे हो, यानी मिसाइल अग्रेसर भी यूज़ करता है मार के, और एक डिफेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है कि हमारे पास भी है। सो हज़रत उमर इब्ने खताब रदी अल्लाह अन्हो पहले भी बहुत वोकल थे, पेट्रियाटिक थे, और अपने लोगों पर वो उन्होंने पनिश भी किया कि तुमने क्यों अल्लाह के रसूल को ज्वाइन किया, और जब इस्लाम कबूल किया तो सबसे पहले जाके अबू जहल का ही दरवाज़ा खटखटाया कि मैं इस्लाम ले आया हूँ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। सो ये जो दिलेरी, ये जो करेज, ये जो एतमाद, ये जो बिलीफ, क्योंकि करियर्स, शो बिज़नेस, करियर स्टार्डम, ये कितने ही आए और गए। एक टाइम था जब दुनिया को लगता था कि दुनिया इज़ ऑल अबाउट एल्विस प्रेसली, कि बस दिस इज़ इट। फिर टाइम आया कि जब लोगों को लगा कि यार माइकल जैक्सन इज़ द वर्ल्ड, दिस इज़ इट। सो अमिताभ बच्चन का टाइम आया, राजेश खन्ना, शाहरुख खान, यू नो, एंड सो ऑन। सो आज से 500 साल पहले कौन थे, वी डोंट नो। सो एक दुनिया का स्टार है जो टीवी और फिल्म के साथ बनता है, बंद हो जाता है और खुल जाता है, और एक अल्लाह का स्टार है जो फॉरएवर दिलों के ज़रिए और क़यामत तक के लिए अल्लाह उनको अमर कर देते हैं। सो वी आर गोइंग बैक टू सनम, और सनम सबसे पहले तो ये बताएं कि करियर का छोड़ना, वॉज दैट योर पर्सनल डिसीजन, और उसकी वजह क्या थी, क्या रुकावट आ रही थी जी? एंड हाउ हैज कंसिस्टेंसी हेल्प्ड यू? दिस इज द सेकंड पार्ट। या अच्छा, मैं पहले नजम भाई को आंसर करती हूँ कि जब मैं कमबैक पे जा रही थी, आई थिंक आई वॉजंट वेरी हैप्पी विद दैट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैं तो एक कॉम्पिटिशन में फिर से जा रही थी, और वो इसलिए जा रही थी क्योंकि अब यू नो जो चीज़ें अल्लाह ताला ने दे दी थी अब वो पूरी नहीं पड़ी थी, वो होती ना नाशुक्र गुजारी। तो पहले फैमिली चाहिए थी, अब फैमिली के बाद अब दोबारा से काम, एंड आई वॉज अनहैप्पी इनसाइड, लेकिन मैं करना चाह रही थी, और इसी में मैंने बस यू नो अल्लाह की तरफ रुजू किया और मुझे तो सब कुछ नजर आया। एक्चुअली मसला ये कि अभी भी कोई हमारे मीडिया में कोई ऐसा ड्रामा नहीं बन रहा जो जहाँ से हम एक्चुअली बता सकें कि हमें बाउंड्रीज में रहते हुए हम कुछ भी कर सकते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाउंड्रीज में हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं अपने हिजाब में हूँ और मैं कोई अल्लाह का मैसेज पहुँचाना चाह रही हूँ अपनी यूथ को, तो मैं कर सकती हूँ ऐसा ड्रामा, तो मेरे मुझे अभी कोई इशू नहीं होगा। लेकिन उस टाइम मेरे जमीर में जरूर प्रॉब्लम रहता, या अगर मैं कोई ऐसा ड्रामा करूं पहले की तरह वाले, तो मैं आई थिंक कंफ्यूज ही रहूंगी, डिस्टर्ब, अगर मैं ऐसा करना नहीं चाहती। मैं अपने हिजाब में रहते हुए कुछ भी कर सकती हूँ, मैंने ये सीखा। माशाल्लाह। और दूसरा सिस्टर सलवा ने बोला है कंसिस्टेंसी, ये जरूर बताएं, ये जरूर बताएं यंगस्टर्स के लिए खासतौर पर। मैं सब यंगस्टर्स को यही बोलूंगी, अगर आपको मोहब्बत है
मोहब्बत कंसिस्टेंसी से जुड़ी है, राइट? तो अगर आपको मोहब्बत होती है जिस चीज से भी, आप कंसिस्टेंट रहते हैं. तो मुझे जो मेरे अंदर तलब थी अल्लाह ताला को जानने की, और अल्लाह ताला ने जब अपनी जात पर से पर्दा हटाया, वो मेरे अंदर वो कंसिस्टेंट रही कि मैं अल्लाह ताला को जानती रहूं, अपनी अपनी करेक्शन करती रहूं. और मुझे अल्लाह ताला से इस कदर मोहब्बत है, इस कदर हम कहते जरूर हैं पर हम अमल से नहीं दिखा रहे होते. तो अब मैं अब जो मुझे समझ आता है मैं अमल करती हूँ. और कंसिस्टेंट हम सिर्फ मोहब्बत से हो सकते हैं. जैसे अगर इफ आई एम अ मॉम, मुझे अपने बच्चों से मोहब्बत है ना, तो मुझे पता है मैंने सुबह से रात तक क्या करना है उनके लिए. मैं खाना भी कंसिस्टेंट रहती हूँ, मैं उनका पाल में नहाने में खिलाने में हर चीज में कंसिस्टेंट हूँ. और मैं हर वक्त उनके बारे में सोचती हूँ क्योंकि मुझे उनसे मोहब्बत है. मैं अपने नेबर्स के बच्चों उस तरह से नहीं सोचती जिस तरह अपने बच्चों के लिए सोचती हूँ. वाई? बिकॉज उनसे मोहब्बत है. और जब ये मोहब्बत की डायरेक्शन अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होती है, तो आप कंसिस्टेंट भी होते, और जब उनकी बाउंड्रीज में रहते तो तमाम रिश्ते भी नॉर्मल हो जाते हैं. अगर सनम आपको मोहब्बत अल्लाह से है तो अल्लाह ताला सिखाते हैं कि सबसे डील कैसे करना है. सनम, ये आपको अल्लाह ने क्या दिया है आपको जो आपको अल्लाह से मोहब्बत हो गई है? नजीम भाई, ये बोलने क्या नहीं दिया. अच्छा, ये इस कदर खूबसूरत बात आपने कर दी. कभी ना आंखें बंद थी मेरी, तो इतना सब कुछ अल्लाह ताला ने दे रखा था पहले भी, लेकिन बस अल्लाह ताला ने ना अपनी जात नहीं दी थी उस टाइम. अल्लाह अपनी ना आपने दिया था, मुझसे कभी बात नहीं की थी, तो इसलिए कभी कुछ और नजर नहीं आया था. जो ओए नहीं था बस रोना था, महरूमियों के रोने थे. सब कुछ होते हुए भी उस चीज पर नजर जो है नहीं. तो वो होता है कि कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब गम ढूंढते हैं, आई थिंक हम उनसे होते हैं तब. तो अब तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या नहीं दिया. आंखें दिए, कान दिया, दिल दिया. मुझे लगता है अगर इनका सही इस्तेमाल नहीं किया, यानी ये चीजें मैंने अल्लाह के लिए नहीं यूज की, तो फिर तो मैंने सब जाया कर दिया. अब मुझे लगता है अल्लाह ताला ने मुझे समझ दी है, दीन की समझ दी है. वो कहते हैं ना, आंखों को मैंने अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया, कानों में अल्लाह का कुरान डाला है, दिल में से समझ आई है, असर हुआ है. तो अब मैं शुक्रगुजार हो गई हूँ एक-एक. अच्छा, हम अल्लाह ताला को इतना इजी लेते हैं. ये इवन जो सांस है ये भी तो अल्लाह ने दी है. अभी बेशक इंसानों से जब हम अल्लाह माफ करे जो हॉस्पिटल जाते हैं और वो जो लगती है आईसीयू में चले जाते हैं, वो जब इंसान से सांस मांगनी पड़ती है तो हमारी उफ तो उफ निकल जाती है. बिल्कुल सो अल्लाह में सांस दे के रखे हुए, उनका कभी हमने शुक्र अदा ही नहीं किया. क्या क्या आप आजाद हो गई हैं या बंद हो गई हैं? ऐसा लगता है कि पर कट गए हैं और एक बॉक्स में बंद हो गई हैं, या आज़ाद फील करती हैं? क्या अपनी फीलिंग बताएं ताकि मोहब्बत हो लोगों को अल्लाह से भी। नजम भाई, पहले मैं आजाद नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है. लगती थी आजादी, लेकिन हम बाउंड होते हैं, हम किसी और के कहते हैं बात सुन रहे होते हैं. अगर जैसे मैं कोई ड्रामा करती थी तो मुझे मेरा दिन पैक था, महीने पैक्ड होते थे कि मैं यहाँ से यहाँ और कहीं नहीं जा सकती, मुझे बस काम करना ही है वो. मैं तो अब ज्यादा आजादी फील करती हूँ. अल्लाह ताला ने मुझे, मैं कुछ भी कर सकती हूँ बाउंड्रीज में रहते हुए अल्लाह ताला की. तो मैं बड़ा माशाल्लाह आजाद फील, इट्स नॉट अ केज. मैं पहले, अगर जो चीज मुझे समझ नहीं आती, मेरे टीचर हैं सर बाबर चौधरी, द फाउंडर ऑफ अर रहमान अर रहीम नेटवर्क, जहाँ से मैं कुरान में सीख रही हूँ, कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला को जान रही हूँ. तो मैं उनसे पूछती हूँ, तो अगर जो वो मुझे बता दें कि बाद में गलत सोच रही हूँ या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं उसी टाइम रोक देती हूँ. और फिर जिस वहां पे आजादी मिलती है तो हम खुल के बात भी करते हैं. तो ये अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी सोसाइटी में कुरान सीखने का जो एक शौक़ हुआ है लोगों को बहुत ज़्यादा, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या आप कुरान सीख रही हैं या ज़िंदगी सीख रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? नजम भाई, इसमें ना जब मैं शुरू में आई थी ना, आर वी मैं मुझे लर्निंग लगता था लाइफ?
और वी लर्निंग द कुरान, क्योंकि वो लगता है जैसे कुरान कोई कोर्स है और जी, नजम भाई। लोग कुरान ख़त्म करवाते हैं, कोर्स करवाते हैं। सो हम जो है वो जैसे आपकी ज़िंदगी जो है वो, आपको लगता है कि कहीं ये कोर्स कहीं ख़त्म होगा या ये ज़िंदगी की ट्रेनिंग है? हाउ डू यू सी इट? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे जो प्यारी बात है ना, मैंने यही सीखी है कि जब मैं कुरान की तरफ आई तो मुझे लगा कि मैं एक दो महीने में सारा, क्योंकि मैं रात दिन इसके, तो मुझे लगा कि मैं तो सारा एक दो महीने के अंदर या ज्यादा से ज्यादा साल के अंदर ये कोर्स पूरा कर लूंगी। सही है। फिर समझ में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 23 साल में नाजिल हुआ और नाजिल हुआ, तो मैं कैसे ये पूरा एकदम से याद कर सकती हूँ और एकदम से अमल कर सकती हूँ? तो ये अपना जिक्र लेना है, यानी अल्लाह एक आयत है ना 21 सूरह अंबिया की आयत नंबर 10 में कि ये किताब तुम्हारी तरफ नाजिल की, इसमें तुम्हारा ही जिक्र, क्या तुम अकल नहीं लोगे? तो ये जो डांट पट मुझे अल्लाह की कि तुम अकल से काम नहीं लोगी, अपना जिक्र नहीं लोगी, अपने आप को नहीं देखोगी, अपना आईना नहीं देखोगी कि तुम सुबह से रात में क्या करती हो, बस मैं जिक्र के साथ, मैं अपना जिक्र लेने आती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था जब लोग को प्रॉब्लम्स आती थी और वो रसूल अल्लाह के पास जाते थे और वो आयत नाजिल होती थी और फिर इस तरह से सारा सिस्टम चलता था, तो मैं कैसे पूरा कुरान एकदम से याद कर सकती हूँ? तो बस मैंने अपना जिक्र लेना शुरू किया। और अब ऐसा जैसे कुरान में तलाक का भी चैप्टर है और कई ऐसे चैप्टर्स हैं, वो जो जायदाद का होता है, सारा कुछ, मेरा उससे अभी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो मेरी जिंदगी की सिचुएशन नहीं है। ठीक है, सिचुएशन इस टाइम मेरे हस्बैंड हैं, मेरे घर में हाउस हेल्प है, मेरे बच्चे हैं, और मेरा इखलाक और किरदार कैसे मैंने बेहतर करना है सुबह से रात तक में, मेरा काम वो होता है और उस पे मैं हर वक्त तकवे में रहती हूँ। तो अल्लाह ताला मुझे जिक्र दे देते हैं, जो नसीहत दे देते हैं, यानी नसीहत, बेशक, तो मैं तकवे में रह, जो कि रमजान का मकसद भी है कि हम तकवे वाले हो जाएं। बिल्कुल, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ जब हम ब्रेक के बाद वापस आए तो सनन ने जो ये बात की है, वो जो स्लोगन है हमारा 21 सूरह अंबिया आयत नंबर 10, I was just thinking of this, right? Yeah. अच्छा, वो मैं चाहता हूँ कि अलिफ टीवी की जो हमारी फैमिली है, ऑडियंस है, इनका भी वो स्लोगन बन जाए कि ये जो आयत सनन ने कोट की है ये एक्चुअली चाबी है इस कुरान की। आप इसको तर्जमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, आप इसको अरबिक से पढ़ें, ग्रामर से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, वो बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन अगर ये चाबी नहीं लगाएंगे, ये जो एक लाइन की आयत है, तो कुरान नहीं खुलेगा, आप उसके अंदर नहीं जा सकते, बाहर ही घूमते रहेंगे। अंदर जाने के लिए लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन, हमने तुम्हारी तरफ एक किताब नाजिल की है, फ़ी ही ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा ज़िक्र है। अब वो ज़िक्र है कहाँ? सो मेरा ज़िक्र कहाँ है? सलवा पढ़ रही है तो सलवा का ज़िक्र कहाँ है? सनम पढ़ रही है तो सनम का ज़िक्र कहाँ है? और आप सब लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप जब कुरान खोल के देखेंगे तो आपसे भी आयत कह रही है कि इसमें तुम्हारा जिक्र है, अकल से काम नहीं लोगे। सो जिस दिन अपनी लोकेशन पता लग जाएगी आपको कुरान में, मैंने आपके घर आना था, मैं खो गया, मैंने कॉल किया, यार मैं खो गया हूँ, तो आपने पहला सवाल मुझसे किया कि वेयर आर यू, तो अगर मैंने आपको लोकेशन बता दी तो आप मुझे मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आपको अपनी लोकेशन कुरान के अंदर मिल गई कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ अल्लाह की नज़र में, तो आपको अल्लाह मिल जाएगा। That's my next question after the break. तो जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो सलवा से सलवा पूछेंगी, मैं भी पूछूंगा सनम से कि अपनी लोकेशन क्या मिली, क्या क्या चीज़ें थी जो ठीक होने वाली थी, क्या क्या चीज़ें थी जो पहले से आपको सुकून मिला के शुक्र है कि ये मेरी चीज़ें अल्लाह ने अप्रिशिएट की हैं, आपकी वो क्या ऑडिट रिपोर्ट क्या आई थी, ब्लड रिपोर्ट क्या आई थी, क्योंकि जब मेरी आई थी तो मैं तो 2-3 महीने नहीं सो सका था। सो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ये बहुत ही खूबसूरत टर्निंग पॉइंट है जो आपके लिए भी हो सकता है आज। विल सी यू सून। वेलकम बैक। बहुत ही क्रूशल पॉइंट आ चुका है ट्रांसमिशन का, जिसमें हम ये देखेंगे कि
जब सनम से ये आयत एड्रेस कर रही थी कि हमने तुम्हारी तरफ किताब नाजिल की जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, अफल अताकिलून, सो सनम चौधरी का जिक्र है, मैं पढ़ रहा हूँ तो नजम शराज का जिक्र है, सलवा पढ़ रही है तो सलवा का जिक्र है, सो सनम को अपना जिक्र कहाँ नजर आया? जी सनम, अच्छा, जब मैंने अपना आईना देखा, अपना जिक्र देखा, तो मेरे लिए बड़ी बैड न्यूज थी, क्योंकि मेरा मुकाम एक ऐसी आयत में था जहाँ होना नहीं चाहिए। वो है सूरह बकरा 2, चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 8 में, सुनाएंगी? जहाँ जी जी मैं बल्कि मेरे सामने कुरान मजीद है, मैं यहाँ अच्छा, से क्या करती बात हूँ। है, ये आयत मेरे दिल को जाके ऐसा इसने हिलाया, मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा मुकाम है। वो इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और लोगों में से, इस टाइम इंसानों की बात करें अल्लाह ताला, और इंसानों में से ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और योम आखरत पर ईमान लाए, मगर वो मगर वो तो मगर वो मोमिन नहीं। मोमिन होता है जो बाअमल होता है, जो उफ। अल्लाह ताला के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ लेकर चलता है, समय ना ताना करता है, सुनता है और वैसे ही एक्ट करता है। तो मैंने जब ये देखा, मैंने कहा ये एड्रेस हो रही है मुनाफिकों से आयत, क्योंकि वो अल्लाह, अगर मैं मुसलमान अपने आप को कहती थी, अल्लाह को मानती थी कि कहीं जगह पे मानती थी, कहीं जगह पे अल्लाह ताला की मान, यानी अल्लाह को मानती थी पर अल्लाह की नहीं मानती थी। ये जब मैंने अपना देखा ना, ये मुनाफिक लोग होते हैं कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो मैंने कहा कहती तो मैं भी हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मैं तो मुसलमान हूँ, मैंने तो कलमा पढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा लाइफ तो मैं अपनी मर्जी की गुजारती हूँ, यानी जो मुझे माशरा सिखाता है, मैंने जो घर से सीखा या जो अब मेरा दिल करता है, मैं तो अपनी सुनती हूँ। मैंने कहा ला इला किया हुआ है, यानी मैंने तो अल्लाह को अल्लाह का मुकाम नहीं दिया हुआ अपनी जिंदगी के अंदर, तो यानी मैं मुनाफिक हूँ। और ये आयत ने मुझे एड्रेस किया, जब मैंने अपना आईना में देखा, अपनी मुनाफिकत देखी, अपनी जिंदगी देखी, उफ, मैंने सच्ची तौबा की और मैंने अपनी इस्लाह की। मैंने कहा मुझे मुसलमान से अब मोमिन में आना है, ये मुनाफिक को बीच में से अपनी लाइफ से निकालना है, कि मैं उनसे ना फॉल करूं, कि कहते कुछ हैं, कहते वो कलमा पढ़ती हूँ लेकिन फिर अपनी मर्जी चलाती हूँ, उन्होंने ला इला ही ना किया। हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, यानी अल्लाह के सिवा हमें कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं है। तो फिर ये मुझे कौन इंस्ट्रक्शन देता है? मुझे मेरे अपना नफ्स इंस्ट्रक्शन देता है, ओए ओए लेकिन ओए। अब अपनी करेक्शन के बाद अब मैं अपनी नफ्स को इंस्ट्रक्ट करती हूँ अकॉर्डिंग टू अल्लाह ताला। तो अब सनम, मैंने काबू, पहले नफ्स जो मुझे अंदर से आवाज आती थी मैं वैसी करती थी, जो मुझे ठीक लगता था मैं वही करती थी, लेकिन अब मैं वो करती हूँ जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो सनम, जब ये अपनी लोकेशन नजर आती है इंसान को, जी और ज़िंदगी के कुछ साल गुजर भी चुके होते हैं, जैसे मैं आई वॉज 30 या 30-31 जी था, तो उस वक़्त फिर अगर वो लोकेशन अच्छी नहीं है, क्योंकि आमतौर पे अच्छी नहीं होती, क्योंकि हज़रत अली रदी अल्लाह का कॉल है कि कोई अल्लाह को, अल्लाह की मार्फत, कुरान की मार्फत यानी पहचान के बगैर कोई गनी हो ही नहीं सकता, कोई कंप्लीट या वो मोहताज ही रहेगा हमेशा, वो कहीं ना कहीं इशू में, प्रॉब्लम में ही रहेगा। सो अल्लाह ही गनी करते हैं, अल्लाह ही मोहताजी दूर करते हैं। तो जी जब अपनी लोकेशन नज़र आती है और अच्छी जगह नहीं होती, और अब आपके साथ पास एक ही चॉइस है कि आपने रिलेशनशिप बनानी है अल्लाह से, तो क्या ऐसी स्टेज भी आई कि आपको अल्लाह से माफ़ी मांगनी पड़ी, या क्या आगाज़ क्या था अल्लाह से रिलेशनशिप का? क्योंकि जब इतने साल से हमने किसी को लिफ्ट नहीं कराई, यानी मैं सलवा को इग्नोर करता रहूं कई कई दिन, और मैं फिर एक दिन घर आके बोलूँगी यार ज़रा पराठा बनाओ अच्छा सा, तो सलवा कहेगी एक्सक्यूज मी, नो वे, नो वे, ब्रिंग ब्रिंग मी सम फ्लावर्स, ब्रिंग मी सम यू नो मेक इट योरसेल्फ, चीज चीज केक, फिर पराठा मिलेगा ना। तो आपने अल्लाह से क्या, अपना केस कैसे प्लीड किया, अल्लाह के सामने कैसे आपने अप्रोच किया अल्लाह को? नजम भाई मैं सच बताऊं, मैं सिर्फ कुरान
ऐसे पढ़ने आई थी कि मैं जान तो लूं कि मैं एग्जैक्टली जो आपने अपनी एज कोट की 30, मैं आई वाज आल्सो 30 व्हेन आई गॉट टू द कुरान, और मैं बड़ी प्रेपरेशन करी थी कम बैक के लिए. तो मेरी मैंने बस अल्लाह ताला की ये कुरान ना हमेशा अरबी में पढ़ा था, तो अरबी तो मेरी जबान नहीं है, तो मैंने समझा नहीं था, गौर व फिक्र नहीं की थी. अल्लाह ताला का हुक्म है ना कि तुम इस पे तदब्बर करो, गौर व जी फिक्र करो, तो वो तो जी ही नहीं थी. तो मैं तो सिर्फ पढ़ने आई थी, और मैंने ऐसे करके जब ये चैप्टर 2 है उसकी ही आयत में मैंने अपना आप देख लिया था, तो मुझे अच्छे से याद है. आई यूज टू फील कंप्लीट, आई हैव एवरीथिंग, जो मांगती हूँ मिल जाता है. मैं तो इस तरह वाले कॉन्सेप्ट चल रही थी, सही है ठीक है. लेकिन जब मैंने अपना आप इसमें देखा और करेक्शन की, वो इस तरह से कि मैंने कहा अल्लाह ताला मेरी कोई चीज छोड़ते नहीं है, मुझे इस कदर कंप्लीट रखते हैं. मैंने इस तरह तौबा की, मैं इतना रोई कि जो मुझे इतना कुछ देता है मैंने उसके लिए क्या किया, और जिसके पास वापस जाना है इतना तो ईमान था, लेकिन भूल जाते हैं ना हम जिंदगी में आम रूटीन में. तो मैंने जब अपने आप को देखा कि वो जात जो मुझे सब कुछ देती है मैंने उसके लिए क्या किया है, सिर्फ सिवाय उसको नाराज करने की, या मतलबी मतलबी सजदे करने के. जब कोई चीज दे दी तब याद किया अल्लाह ताला को, या जब कोई बड़ा गम आया तब याद किया अल्लाह ताला को. मैं तो इस तरह से अल्लाह ताला को लेकर चल रही थी. तो अब तो डिड उफ, यू डिड मतलब डिड इट एवर कोई ऐसी स्टेज आई जिस पे आपने अल्लाह से माफ़ी मांगी? नजम भाई जिस दिन ये बात समझ में आई थी ना कि मैं अल्लाह की नजर में कौन हूं, उसी दिन मैं सजदे में गिर गई थी, और मैं इतना रोई. उस दिन तो बैड न्यूज थी कि ये मेरा मुकाम है, लेकिन गुड न्यूज ये थी कि अल्लाह की हिदायत ने भी तो मुझे ढूंढ लिया था. तो अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो इंटिमेट, क्योंकि ये वो लम्हात होते हैं कभी दोबारा ज़िंदगी में वापस नहीं आते। माफ़ी तो आप बार 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 मांग सकते हैं, इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, तौबा कर सकते हैं जब तक ज़िंदगी है, लेकिन ये जो पहली माफ़ी होती है, ये जब फ़र्स्ट टाइम आप प्योरिटी के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम इस पर बात करेंगे सनम से, ताकि सुनने वालों को भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि रिलेशनशिप या तो हम लंबा वाला रूट लें और वो हम फिर वेट करें कि जब ज़िंदगी में अंदर से तौफीक आएगी, ये होगा वो होगा, और एक होता है कि यार माफ़ी मांगो और स्टार्ट ओवर, नहीं पता नहीं था, नहीं बताया किसी ने, नहीं वो ख्याल आया जो दिखाया हम उसके पीछे भाग गए, वट एवर, आज समझ में आ गया है, सो वाई वेस्ट टाइम, वाई नॉट से सॉरी नाउ एंड मूव ऑन। सो हम ये जो सॉरी है, ये जो अपोलॉजी है, ये जो फॉरगिवनेस है, ये जो माफ़ी है, इसके ऊपर बात करेंगे। और सलवा का भी एक सवाल है आपसे सनम, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ये सबसे अहम बात वो ब्रेक के बाद होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम बैक, और अपने अपने दिलों में झांक लें, आंखें बंद करके फिल्म चला लें, जिंदगियों में जो कुछ भी हुआ है किया है, ये माफ़ी का वक्त आने वाला है। जब हम सनम से सुनेंगे माफ़ी, तो फिर हम भी अपने अपने दिलों में तजदीद अहद वफा करेंगे, माफ़ी मांगेंगे अल्लाह से। सलवा, यू वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन? Yes, when you turn towards Quran and you realize that, well, I have to do self-correction, then what were some of the things that, your in your character that you were doing or how you were behaving before, which were confirmed as good by the Quran, and what were some of the things which you had to work on? Salva, you're going to enjoy this answer. There was very less जो अल्लाह ताला अप्रूव कर रहे थे मेरे अंदर. ओह अच्छा, जब मैं देखा, मुझे लगता था सिर्फ ये जो मैंने हिजाब पहना है सिर्फ इसकी कमी है मेरे अंदर. बट व्हेन आई सॉ द इनसाइड, अपना इखलाको किरदार, लाइक ओ माय गॉड, अच्छा मुझे इतनी जगह एड्रेस करे. सूरह हुजरात 49 की 11 एंड 12, मैंने कहा ये तो मेरा रोज का मामला है कि हम गीबत भी इतने मजे से कर रहे होते हैं,
हम गुमान भी इतने मजे से कर रहे होते हैं, हम फाउल लैंग्वेज इतने मजे से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो भी चीजें उसके अंदर अल्लाह ताला ने एड्रेस की है। मैंने कहा ये तो इखलाकों किरदार की बात हो रही है, ये डिसेंसीज हम लोगों के सामने तो होते हैं लेकिन जब अकेले होते हैं करते हैं, और इल्जाम लगाना और जेलेसीज, ये सारी चीजें मेरे अंदर है। एंड देन सूरह इमरान की 3 की आयत नंबर 134 में गुस्सा, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने जब मुझे एड्रेस की। एंड देन 17 की 53 में जो अल्लाह ताला ने मुझे कहा कि एहसन बात करते हैं जो अल्लाह के बंदे होते हैं, मैंने तो इन चीजों से बहुत दूर हूँ। लाइक जब अपना आप अच्छा दिखाना हो ना, वो तब तो ये सब चल रहा होता है, लेकिन अंदर की जो पर्सनैलिटी वो तो कुछ और है। तो आई एड्रेस्ड इट, मैंने कहा अल्लाह ताला ने तो मुझे अपना आप दिखाया, शीशा दिखाया कि ये चीजें करेक्ट करने वाली है सनम, तो इसकी फौरन माफी मांगो, तौबा करो, यानी आज के बाद नहीं करूंगी। अपने आप की जहालत मानी मैंने कि मैं अल्लाह ताला गलत हूँ, गाफिल थी, मुझे कुरान का इल्म नहीं पता था इसलिए ये सब करती थी, लेकिन आज अल्लाह ताला ने मुझे पता है और अब मैंने तौबा की, और तौबा के साथ अल्लाह ताला ने करेक्शन जोड़ दी। ठीक है. तो इस्लाह जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे पहले पता नहीं था इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे माफ कर दिया, अब मुझे बता दिया है तो अब मेरी माफी, तब ये दरवाजा सूरह 6 अल इनाम की आयत 4 वो तो हर वक्त खुला है, शेयर लेकिन करें. मैंने इसको आप करना। अलिफ टीवी में यूथ सारी देख रही है, सुन रही है, और यूथ जो है वो हमेशा रेफरेंसेस पर भी जाती है, रेफरेंसेस भी ले लेते हैं. कोई भी ऐसी आयत जिससे आपकी माफ़ी हुई या जिससे आपको दिल को सुकून मिला या आपको अल्लाह के साथ एक ताल्लुक़ इस्तवार हुआ, कोई ऐसी आयत आपको जिससे आपकी माफ़ी जुड़ गई हो, आपको याद हो कि मुझे इस आयत ने मेरा दरवाज़ा खोला, कोई आप शेयर करना चाहें तो करें. मेरे पास ना ऐसी 3 आयात हैं नजम भाई शेयर करने के लिए, आई थिंक जो तौबा से रिलेटेड हैं, जिन्होंने मेरी जिंदगी चेंज की। एक तो सबसे पहले मैं वो हदीस का मफहूम शेयर कर देती हूँ जिसने मुझे बड़ा रुलाया था, वो ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो निशानी बता रहे ना कि अल्लाह ताला को इस तरह से खुशी होती है जब कोई गुनाहगार इंसान तौबा करता है, कि जब जी, जिसकी ऊंटनी गुम गई हो और माल उस से लदी जिस हुई. हाँ जी. जी जिस पे उसका सारा साजो सामान हो और वो गुम जाए और फिर उसको वो वापस मिले, तो अल्लाह ताला वाह को भी वाह वाह. वैसे ही होती है। तो मैंने ये जब सोचा ना अपने लिए कि सोचे मेरा जो चीज मुझे खुशी देती है सर, वो मेरे बच्चे हैं और वो मुझसे गुम हो जाए, मेरी क्या कैफियत होगी, और वो कैफियत क्या होगी जब वो मुझे वापस मिल जाए। उफ, मैं इतना रोई थी, मैं गिड़गिड़ा के रोई थी कि अल्लाह ताला को मुझ जैसे गुनाहगार ने, जो भी बंदा होता है चाहे वो उसने जिंदगी में कुछ भी किया हो, जब वो सच्ची तौबा करता है अल्लाह ताला को इस कदर खुशी होती है मेरे से, मैं इस माशाल्लाह कदर खुश कर पाऊंगी अपने अल्लाह को। माशाल्लाह. वो हदीस में मेरे दिल को लगी थी, और ये मैं सूरह अनाम 6 की आयत नंबर 54 जिसका भी मैं तस्करा गई थी वो शेयर करना चाहती हूँ। ये तौबा का दरवाजा जिससे अल्लाह ताला ने मुझ पर रहमत की, और रहमत यानी रहम कर दिया मुझ पर, मान हो गया अल्लाह ताला, कम्युनिकेशन जी, बना सुनाइए अल्लाह ताला सुनाइए. जी। और जब तेरे पास वो आए जो हमारी आयात पर ईमान ले आए, तो मैंने कहा ये तो मेरी बात हो रही है, मैं आयात पर ईमान ले आई, तो कह कि तुम पर सलामती हो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए अपने ऊपर रहमत वाजिब कर ली है, अल्लाह हू अकबर. तुम में से अगर कोई जहालत के सबब बुरा अमल करेगा और फिर उसके बाद तौबा कर लेगा और अपनी इस्लाह कर लेगा, तो यकीनन वो बख्शने वाला रहीम है। ओफ, तो अल्लाह ताला अगर हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अल्लाह की जात की, वो हम पर रहीम हो जाए, तो हमें तौबा करनी है और फिर इस्लाह करनी है, यानी पहले गलती तो माने, यही तो डिफरेंस आता है ना नजम भाई एंड सलवा, जब हजरत आदम ने भी तो जैसे उन्होंने तौबा कर ली थी, गलती मानी थी, और शैतान का जब मैं वाकई कुरान मजीद में पढ़ती हूँ, उसने तौबा ही तो नहीं की थी, वो आज तक नहीं कर सका। तो मैंने वाह कहा हमें हमें चूज करना है कि हमें जुरियत आदम
अलैहिस्सलाम बनना है या जुर्रियत शैतान बनना है। तो मैंने तो बस ये करेक्शन की है, तो अब सबसे पहले जहालत मानी है, अपना आप देखा और फिर करेक्शन किया। अच्छा और दूसरी जी 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 मैं शेयर चाहती हूँ कि नजम भाई, एक मेरा बड़ा कॉन्सेप्ट ये था, इसलिए छोटे मोटे गुनाह होते भी रहते थे। सही मैं समझती थी कि अल्लाह तो गफूर रहीम है, ये हमें पता था, ठीक है कि हाँ अल्लाह तो गफूर रहीम है, मतलब तो सारे गुनाह माफ कर देते हैं। तो इस चक्कर में ना और भी गुनाह चलते रहते थे, कभी स्टॉप नहीं लगा था। लेकिन एक ऐसी आयत मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने वो पढ़ी कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो तमाम गुनाह माफ कर देते हैं, लेकिन आगे दो कंडीशंस थी, मैंने वो नहीं पढ़ी थी कभी, उन पे तो कभी देखा ही नहीं था। जी 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 अल्लाह ताला नहीं माना हुआ था, लेकिन आगे वो कंडीशंस नहीं पढ़ी थी। जब मैंने वो पढ़ी, उफ, आज मेरी आज जिंदगी, आज लगा दें वो कंडीशन सबके ऊपर, सुना दें सबको। बिल्कुल वो जैसे आपने आपने ड्रामे में कहा था ना, एक ड्रामे में रुको, क्या था वो बड़ा मशहूर वायरल हो गया था जो जी रुको। सो आज सबको आप बता दें आज। मैं यही बोलूंगी कि हम, हमें पता है अल्लाह ताला की जात गफूर रहीम है, लेकिन ये दो कंडीशंस कभी ना भूलिएगा। मैंने भी इन्हीं को अपनी जिंदगी का वो बनाया है, सही है, कि अब मैं फॉलो करती हूँ। और वो कंडीशंस क्या है, पहले मैं वो बताती हूँ। बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला कह रहे, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्मो ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना, बेशक अल्लाह तो सारे ही गुनाह माफ कर देता है, अल्लाह बिलतहकीक अकबर, वो बख्शने वाला रहीम है। तो ओए होए। यहाँ समझ आई। और अच्छा, इसमें भी एक समझने की बात ये थी कि हम अक्सर औकात ये समझते हैं कि हमने तो बहुत गुनाह किए हुए हैं, तो हमें कहाँ माफी मिलेगी। तो अल्लाह ताला तो कह रहे हैं, तुमने चाहे कुछ भी किया हो, मेरी रहमत से मायूस ना हो जाना, बेशक मैं तो माफ कर देता हूँ। अब ये जो शरायत है वो ये है, अल्लाह कह रहे हैं, और अपने रब की तरफ मुतवज्जा हो जाओ, ओए होए यानी कर लो, नंबर वन मुझे ये समझ, रुजू करो, और उसके आगे अपना सर तस्लीम खम कर दो, यानी सरेंडर। अपना आप, अपनी दाद सब टोटल सरेंडर कर दो। ये दो बात एक लाइन में आ रही है कि मैंने भी ये किया कि पहले तो मैंने अल्लाह ताला को रुजू किया, और फिर मेरे अंदर जितना कुछ था, अच्छा बुरा, मैंने सब टेबल पर निकाल के अल्लाह के आगे रख दिया कि अल्लाह की मर्जी जो मर्जी ले जाए, जो मर्जी डिजायर्स मेरी, जो खुशियां या कुछ भी ले जाए, जो अल्लाह को पसंद है वो अल्लाह ताला ले ले और तो मेरी जिंदगी से निकाल दे। तो मैंने सर तस्लीम खम कर दिया, सब टोटल सरेंडर कर दिया। फिर आगे अल्लाह ताला वार्न करें, बेशतर इससे के अजाब तुम तक आ पहुंचे, फिर तो उफ, तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। और फिर अब अगली आयत है 39 की, 55 इसी के आगे, और पैरवी करो बेहतरीन शय की। ये है थर्ड चीज की हमें फॉलो करना है, क्या बेहतरीन शय जो नाजिल हुई है, और पैरवी करो बेहतरीन शय की जो तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की गई है। नाजिल हम सब जानते हैं कि कुरान मजीद हुआ है हमारे नबी के ऊपर नाजिल, तो बेशक हमें उसको फॉलो करना है, हम सिर्फ पढ़ते हैं। अल्लाह तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उस बेहतरीन शय की जो तुम पर रब की तरफ से नाजिल की गई है, उसकी पैरवी करनी है, यानी उसको फॉलो करना है, बेशतर इससे कि तुम पर अजाब अचानक आ पहुंचे और तुम्हें उसका शऊर भी ना हो। अल्लाह मुझे, अल्लाहु अल्लाह अकबर। कि पहले मैं जानती नहीं थी, अल्लाह ताला उन्हें वॉर्न करते हैं जो अल्लाह के करीब होते हैं, जिनमें अल्लाह ताला खैर दे उनको सुनवा देते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसी तरह मुझे सुनवाया, और अलिफ के इस टाइम जितने लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उनमें भी खैर देखते हैं तो उन्हें सुनवा रहे हैं। वाह वाह वाह, लेकिन अगली बात हम पे छोड़ देते हैं कि सुन तो लिया, अब क्या इधर से निकाल देना है, वो संभाल के रखना है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना। बहुत शुक्रिया सनम, आपने पक्का काम कर दिया। और यही हम पूरे रमदान से कोशिश कर रहे थे कि चीज़ों को बार 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 बार, क्योंकि हमारे नफ्स इतने इन्वॉल्व हुए होते हैं डिफरेंट चीज़ों के अंदर कि हमें रिमाइंडर चाहिए होता है। और सनम चौधरी ने आज जो ये रिमाइंडर दिया है हम सब के लिए, हमें इसको गौर से सुनना चाहिए। अलिफ टीवी की सोशल मीडिया पर आप जाके, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आप जाकर आपको दोबारा भी ये सुनेंगे तो आपको उतना ही मज़ा आएगा जितना आपको अभी आ रहा है। और अगर किसी कोई मिस कर गया है, आपके कोई दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स पाकिस्तान से बाहर कहीं भी दुनिया में हैं, उनको बताएं
कि वो ज़रूर इसके साथ कनेक्ट हो जाएं इस हमारी ट्रांसमिशन के साथ और इस एपिसोड को देखें। इसी हम माफ़ीनामे पे आज की, क्योंकि सहर का टाइम होने वाला है, अब आप सब ने रोज़ा बंद करना है और नमाज़ पढ़नी है, सो मैं आपसे ख़ुसूसी तौर पे अपील करता हूँ कि दुआ करें सनम चौधरी के लिए, मेरे लिए, सलवा के लिए और पूरी अलिफ टीवी की टीम के लिए, कि आज अल्लाह ने इन सबको ये वसीला बनाया है, हमारा भी ज़िक्र हुआ है और आप तक भी ज़िक्र पहुंचा है, अल्लाह की नसीहत पहुंची है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं सनम आपका कि आपने, बड़ी ज़िम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, बड़ी बिज़ी होती हैं आप बच्चों के साथ, घर बार ये वो। सलवा आपका भी शुक्रिया फॉर योर वाइज वर्ड्स एज ऑलवेज़। और इसके साथ ही इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सहर में ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। याद रखिए, अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर रहे हैं और तीन कंडीशंस लगा रहे हैं कि अब रुजू कर लो, पिछला सारा माफ़ कर रहे हैं उस पर बात नहीं होगी, अब रुजू कर लो, सरेंडर कर दो अपनी जो भी कोताहियाँ गलतियाँ, हर चीज़ का जवाब है, हर चीज़ का सलूशन है, डोंट वरी अबाउट इट, सरेंडर करो, टेबल पे रखो, बड़ी से बड़े गुनाह, बड़ी से बड़ी कमज़ोरी अल्लाह से पूछें। और तीसरी चीज़, फॉलो जो नाजिल हुआ है यानी द कुरान, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कुरान नाजिल हुआ और उन्हीं के ज़रिए हमें हमारे घरों में आज ये मौजूद है, और 23 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की पैरवी की, तो हमें भी सुन्नत में उसी की पैरवी करनी है जिसकी पैरवी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। इंशाल्लाह कल सहर में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच सनम, थैंक यू सलवा, एंड थैंक यू अलिफ टीवी, सी यू टुमॉरो इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।